सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में काली माता ड्राइंग के ऊपर कलरिंग करने वाला हूँ, और इससे पहले इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वाला वीडियो आपने अभी देखने नहीं देखा हो तो जरूर से देख लेना। वीडियो की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, इस ड्राइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर डॉम्स के ऑयल पेस्टल यूज कर रहा हूँ, तो चलो अभी ड्राइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आईज में कलरिंग कर रहा हूँ। बेसिकली मैं पहले बेस लेयर में कलरिंग कर रहा हूँ, और आईज में ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, जस्ट मैं यहाँ पर डिफरेंट फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर जो भी कलर्स है उन सब कलर को यूज करके मैं यहाँ पर सेटिंग कर रहा हूँ। बाकी आप लोग अभी देखो मैं कहाँ पर कौन से कलर का यूज कर रहा हूँ, और कलर से सेटिंग करने के बाद देखो मैं पेपर ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्मॉल एरियाज है। बाकी कॉटन बर्ड से भी आप लोग ब्लेंड कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, आईज में बेस लेयर देने के बाद फेस के ऊपर जो भी रेड साइड है, यानी अपर हेड में और माउथ में, उन सब एरियाज में रेड कलर से सिंपली शेडिंग कर रहा हूँ। और शेडिंग करने के बाद इसको भी कॉटन बर्ड से ब्लेंड कर देना है। और ध्यान रखना, अभी जस्ट मैं फेस के ऊपर बेस लेयर दे रहा हूँ, यानी यहाँ पर डिटेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है इस लेयर में। जस्ट डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर जो भी कलर से उन सब कलर से पहले शेडिंग करते जाना है पार्ट पार्ट वाइज, और उसको ब्लेंड करते जाना है। बस उतना ही बेस लेयर में करना है अभी। ओके, नेक्स्ट अभी फुल फेस में बाकी जो भी ब्लू साइड है उन सब एरियाज में प्रूशियन ब्लू कलर से सेटिंग कर रहा हूँ। और अभी थोड़ा टेक्निक में यहाँ पर काम करना है, लाइक लाइट वैल्यूज में और डार्क वैल्यूज में काम करना है आप लोगों को। तो डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके फेस के ऊपर जो भी डार्क एरियाज है उन सब एरियाज में ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग करना है, और नॉर्मल एरियाज में लो प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग करना है, और लाइट वैल्यूज में एकदम जितना हो सके लो प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग करना है, या फिर लाइट वैल्यूज में छोड़ के भी सेटिंग कर सकते हो। बाकी आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो मैं कहाँ पर किस तरीके से सेटिंग कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट अभी व्हाइट कलर को यूज करके एकदम से जो भी डार्क एरियाज है उन सब एरियाज को छोड़ के बाकी फुल एरियाज में व्हाइट कलर से अच्छी तरीके से शेडिंग करते जाना है। ध्यान रखना कलर अच्छी तरीके से भरना है आप लोगों को, नहीं तो ब्लेंडिंग ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। बेसिकली एक भी जगह खाली मत छोड़ना। ओके, फर्स्ट लेयर में फुल कलरिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अभी इसको भी कॉटन बर्ड की मदद से ब्लेंड कर देना है। और हाँ, ब्लेंड करने से पहले जिस भी कलर के ऊपर आप लोग ब्लेंड करोगे उस कलर से पहले कॉटन बर्ड के ऊपर घिस लेना, देन ब्लेंड करना। उससे ब्लेंड आप लोग बहुत ही स्मूथ तरीके से कर पाओगे। और यहाँ पर आप लोगों को लाइट ब्लू नहीं तो व्हाइट कलर से पहले घिसना है कॉटन बर्ड के ऊपर।
ओके, ब्लेंडिंग भी कंप्लीट हो गई है, यानी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है और अभी सेकेंड लेयर में कलर करेक्शन करना है। लाइक फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद जहाँ पर जो भी कलर्स चाहिए आप लोग को रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके उस कलर से आप लोगों को शेडिंग करना है एंड देन उसको लो प्रेशर में ब्लेंड कर देना है। सेकंड लेयर में ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके ब्लेंड मत करना, नहीं तो कलरिंग में पैचेस आ सकते हैं। और लास्ट में डिटेलिंग में डार्क वैल्यूज को देने के लिए मैं यहाँ पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ और हाईलाइट देने के लिए मैं यहाँ पर कैची नहीं तो कटर का यूज करने वाला हूँ। बाकी आप लोग अभी देखो ध्यान से मैं किस तरीके से डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। ओके, आईज और आईज के आसपास की एरियाज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अभी फुल फेस में भी सेकंड लेयर में कलर करेक्शन करना है, तो जहां पर भी मुझे फेस के ऊपर थोड़ा और लाइट वैल्यूज चाहिए उस टाइप के एरियाज में व्हाइट कलर से पहले मैं सिंपली शेडिंग कर रहा हूँ लो प्रेशर अप्लाई करके एंड देन उसको लो प्रेशर अप्लाई करके ब्लेंड कर रहा हूँ कॉटन बट की मदद से। ओके, नेक्स्ट अभी डिफरेंस फोटो में फेस के ऊपर देखना थोड़ा वायलेट कलर की इफेक्ट और राइट साइड में ग्रीन कलर की इफेक्ट है, तो जहाँ पर जो भी कलर की इफेक्ट है वहाँ पर मैं उस कलर से सिंपली शेडिंग कर रहा हूँ एंड देन उसको भी लो प्रेशर में ब्लेंड कर देना है। ध्यान रखना आप लोग जब वायलेट कलर और ग्रीन कलर से शेडिंग करोगे तो शेडिंग आप लोगों को बिल्कुल लो प्रेशर में शेडिंग करना है। और लास्ट में भी फेस के ऊपर डार्क वैल्यूज के देने के लिए उसी टेक्निक को अप्लाई करके यानी लो प्रेशर अप्लाई करके ब्लैक कलर से सिंपली शेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जहाँ पर ज्यादा डार्क वैल्यूज चाहिए वहाँ पर आप लोगों को ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है और कम डार्क एरियाज चाहिए तो वहाँ पर आप लोगों को लो प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है। एंड नेक्स्ट अभी इसके ऊपर डिटेल हुए में हाईलाइट करने के लिए मैं कैची से लो प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग टेक्निक से मैं स्क्रैच कर रहा हूँ।
एंड फाइनली लास्ट में इस तरीके से डिटेलिंग करने के लिए और ज्वेलरी को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रहा हूँ। बाय द वे आप लोग यहाँ पर पोस्टर कलर को भी यूज़ कर सकते हो। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से फेस के ऊपर कलरिंग करना है। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो देन आप लोग नीचे कमेंट करना मत भूलना, और जो भी आर्ट मटेरियल में ड्राइंग में यूज कर सकते हो वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वो सब भी चेकआउट करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अभी इस ड्राइंग की फाइनल पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।